कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है, या फिर यूं कहें कि ये लगातार किसी नए रूप में वापस आ रहा है। जी हां, 4 महीने शांत रहने के बाद भारत में कोविड फिर से तबाही मचाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि 700 से अधिक मामले तो दर्ज कर लिए गए हैं, कुल एक्टिव केसेस 4,500 के करीब हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कुछ दिनों में ही भारत में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल आया है। कोविड-19 XBB वेरिएंट का ही अगला वंशज XBB.1.16 हो सकता है। जी हाँ, कई देशों के बाद भारत में इसके अब कई मामले सामने आ रहे हैं। चीन, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कई देशों में ये वेरिएंट तेजी से फैला है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के इस वेरिएंट से अब नई लहर की आशंका बढ़ सकती है, जो बेहद इन्फेक्शियस हो सकती है, यानी कि जो इन्फेक्शन फैलने की दर है वो बहुत तेज हो सकती है। आपको बता दें कि कोविड वेरिएंट्स पर नजर रखने वाले इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक भारत में अभी कोरोना के इस वेरिएंट यानी XBB.1.16 वेरिएंट के मामलों के सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं। हाल ही रिपोर्ट के अनुसार भारत में 48, सिंगापुर और अमेरिका में क्रमशः 14 और 15 मामले दर्ज हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि भारत में ये बेहद तेजी से फैल रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि XBB.1.16 वेरिएंट XBB.1.15 से नहीं निकला, बल्कि 1.16 और 1.15 दोनों ही कोरोना के XBB वेरिएंट से ही बने हैं। जी हां, एक टॉप जीनोम एक्सपर्ट ने मीडिया रिपोर्ट में ये बात कही है कि XBB वेरिएंट वर्तमान में भारत में हावी है और देश के कई राज्यों जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में जो वृद्धि हुई है वो XBB.1.16 और XBB.1.15 का परिणाम हो सकते हैं, लेकिन कुछ और सैंपल्स इस बात को आने वाले वक्त में साफ कर देंगे। आपको बता दें कि ये बात और आंकड़े साबित करते हैं कि भारत में नए वेरिएंट के मामले तेजी से फैल रहे हैं, और अगर यही गति रहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि गर्मियों के साथ ही कोरोना एक बार फिर से कहर बनकर टूटे।